दोस्तों आज हम एशियन पेंट का स्प्लैश टेक्चर बनाने चल रहा हूँ। स्प्लैश टेक्चर है, स्प्लैश टेक्चर कैसे बनता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये बहुत आसान टेक्चर होता है दोस्तों, मैं अभी इसको बना के दिखाता हूँ आपको। तो चलो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। दोस्तों स्प्लैश टेक्चर बनाने के लिए इस रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। ये रस्सी नहीं तो कोकोनट का जो सूखा गोला होता है उसके ऊपर का जो बाल होता है, मोटा मोटा बाल निकाल के इस तरह झाड़ू की तरह बना सकते हैं। ये झाड़ू की तरह हमने पहले से बना रखा है दोस्तों, इसी से स्प्लैश टेक्चर बनाता है। स्प्लैश टेक्चर का टूल जो होता है यही टूल है इसका। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे कैसे बनता है दिखाते हैं। तो स्प्लैश टेक्चर बनाने के लिए तीन कलर की आवश्यकता पड़ती है। एक कलर तो ये हो गया हमारा, और दूसरा कलर ये है, और मैं तीसरा कलर दिखाता हूँ, ये ब्लू कलर है। प्लेन लकड़ी पे या किसी भी ढक्कन पे, पार्टी के ढक्कन पे माल ले लेंगे। डायरेक्ट डब्बे से माल नहीं उठाना होता है, इस तरीके से माल लेंगे। दो से तीन बार इसको लगाएंगे, एक दो तीन चार बार लगा सकते हैं, उसके बाद दोबारा माल लेना होगा। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? Why you want back like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta deal right now. इस्तेमाल करने के लिए इसको हम धो देंगे, धो के फिर दूसरा कलर इस्तेमाल करेंगे। धुल गया है, इसका पानी निकाल दो, ये सूख जाएगा तुरंत। अब दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं, ढक्कन को हम साफ कर लेंगे। ये कलर दूसरा कलर है, दोस्तों इसमें देखना ये होता है कि घर को ब्राह्मण कितना चाहिए,
और गैप भर दो, एक बराबर गैप होना चाहिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अच्छा दिखता है। तो इसे तो दोस्तों मैंने पूरा गैप बराबर भर दिया है, कहीं अगर दिखता है तो मैं भर देता हूँ, वरना ये कंप्लीट हो चुका है। मैं देख के अभी भर देता हूँ, कहीं कम है तो लगा दूँगा कलर, नहीं तो वरना ये कंप्लीट है, मैं देख देख के मार देता हूँ। ये रहा अपना स्प्लाइस टेक्सचर दोस्तों। ये कोकोनट की रेसे हैं, जो अपना नारियल का रस्सी होता है उसका रेसा होता है, इसी से नारियल की रस्सी बनती है, इसी से हम डिजाइन मार रहे हैं। मार्केट में नहीं मिलता है, इसको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये रहा अपना स्प्लाइस टेक्सचर, कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर हमको बताएँ, वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।